अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। पिशावर की तारीख की वाहिद गेटेड कम्युनिटी सोसाइटी नोवा सिटी फेज वन में मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे चार सद्दा इंटरचेंज है जो कि नोवा सिटी फेज वन में ही उतरता है। यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट एक क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जा रहा है जो कि शायद पाकिस्तान की तारीख में कोई भी ऐसी सोसाइटी ना हो जिसके अंदर क्रिकेट स्टेडियम भी हो। इसके अलावा इस सोसाइटी का अपना चिड़ियाघर और एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट सफारी पार्क भी होगा। खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए गोल्फ रेजिडेंस समेत एक बड़ा मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। सोसाइटी का अपना ही स्कूल सिस्टम होगा जिसमें आपके बच्चे पढ़ सकेंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान का पहला अर्बन फॉरेस्ट पार्क भी मिलेगा जहां पर आपको हाई राइज के साथ साथ खूबसूरत और दिलकश ग्रीनरी भी देखने में नजर आएगी। ये सोसाइटी दरियाए काबुल पर वाकया है। दरियाए काबुल बिल्कुल इसके सामने से गुजरता है। बहुत से लोगों के माइंड में ये ख्याल होगा कि सैलाब आएगा तो सोसाइटी जो है वो तो बह जाएगी, तो जनाब मैं आपको बताता चलूं, सैलाब आया लेकिन अल्लाह के फजलो करम से ये जो सोसाइटी थी इसके अंदर मेडिकल कैंप्स लगाए गए थे, यानी सैलाबी पानी का एक कतरा भी इस सोसाइटी में दाखिल नहीं हुआ। नोवा सिटी पिशावर जो है अपनी बिजली खुद पैदा करेगा और इसके साथ साथ अपना ग्रिड स्टेशन तो इनका होगा। दरियाए काबुल को भी मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाएगा जिस पर टर्बाइन लगाकर बिजली पैदा की जाएगी और यहाँ के रिहायशियों को दी जाएगी, और ये बिजली कंपैरेटिवली जो वाडा या के इलेक्ट्रिक फ्राहम करता है उससे कई गुना सस्ती होगी। नोवा सिटी फेज वन और फेज वन एक्सटेंशन मोटरवे के दोनों अतराफ फैली हुई है जिसको चार जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट अंडर पार्क से कनेक्ट किया गया है। नोवा सिटी का मेन बुलीवर्ड 300 फीट चौड़ा है जबकि अगर आप आम सोसाइटीज में जाते हैं तो वहां पर बुलीवर्ड मैक्सिमम 250 फीट या इससे भी कम के होते हैं। सोसाइटी में आपको हैजल फ्री एक साइकिलिंग ट्रैक और वॉकिंग ट्रैक मिलेगा जो के बल खाता हुआ इस सोसाइटी को दरियाए काबुल और इर्द गिर्द के मनाजिर को जब घेरेगा तो देखने वाली आंखें अश अश कर उठेंगी। सोसाइटी की एक खास बात जो कि इसको पाकिस्तान में मौजूद तमाम सोसाइटी से डिफरेंशिएट करती हैं, इसका हर ब्लॉक जो है उसको एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाएगा और हर ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट का एक अपना गेट होगा, यानी सोसाइटी के अंदर ही कुछ सब गेट्स होंगे जिससे सिक्योरिटी को मजीद यकीनी बनाया जाएगा और 24/7 यहाँ पर इनकी पेट्रोलिंग फोर्स भी मौजूद होगी। फेज वन मुकम्मल तौर पर NOC अप्रूव भी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि फेज वन नोवा सिटी की एंट्रेंस कितनी खूबसूरत है जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट है। एक बड़ी ग्रीन बेल्ट जो है जिस पर खजूर के दरख्त लगे हैं इसकी खूबसूरती में मजीद चार चांद लगाते हैं, जबकि मेन बुलीवर्ड के दोनों अतराफ आपको कुशादा सड़कें नजर आ रही हैं। इसी के साथ आपको कमर्शियल प्लॉट्स भी मिलेंगे। यहाँ पर आप 5, 10 और 1 किनाल के प्लॉट जो है वो खरीद सकते हैं। अगर कोई शख्स यहाँ पर रहना नहीं चाहता, वो सिर्फ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा, तो आप मार्केट विजिट कर लें। जो भी प्रॉपर्टी आइकॉन है पाकिस्तान में या जिन लोगों के पास डीलरशिप है आप उनसे रابطہ कर लें, वो लोग आपको बताएंगे कि ये सोसाइटी आज की मिट्टी कल का सोना कैसे बनने जा रही है। बहुत से लोगों के माइंड में ये भी ख्याल होगा कि अगर कोई यहाँ पर प्लॉट ले लेते हैं तो वो घर की तामीर पता नहीं कब स्टार्ट कर सकेंगे, तो आप आज ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। 8 से 10 माह में आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी और बुनियादी जरूरियाती जिंदगी की तमाम चीजें आपको यहाँ पर एक ही सेफ गेटेड कम्युनिटी में मिलेगी। सोसाइटी में इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड्स की फूड चेन भी मौजूद होंगी, जिसके साथ साथ सोसाइटी के अंदर एक ब्लॉक जो है वो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा। उस डिस्ट्रिक्ट में सिनेमाज, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड आपको कोई भी चीज देखनी है या लेनी है, ब्रांड्स लेने हैं, इंटरनेशनल और नेशनल फूड चेन भी आपकी घर की दहलीज से सिर्फ 2 मिनट की मुसाफत पर होंगी। यहाँ से इस्लामाबाद सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट जबकि पिशावर टोल प्लाजा 7 मिनट की मुसाफत पर है। सोसाइटी की कामयाबी का इन्हिसार पाकिस्तान में इंटरचेंजेस पर होता है, तो ये चार सद्दा इंटरचेंज मैं इस वक्त नोवा सिटी में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं इसकी दीवार उस इंटरचेंज पर लगती है।
नोवा सिटी का मिशन स्टेटमेंट लग्जरी और अफोर्डेबल है। यहाँ 5 मरले का प्लॉट 2,75,000, 10 मरले का प्लॉट 4,99,000, जबकि 1 किनाल का प्लॉट तकरीबन 8 लाख रुपए की डाउन पेमेंट पर मिलेगा। और 20% अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको इनका मेंबरशिप लेटर और फाइल मिल जाएगी। पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में एक मुनफरिद नाम परफेक्टम, जिसमें पाकिस्तान के मोतबर तरीन और मोस्ट क्रेडिबल लोग ऑन बोर्ड हुए, और उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट में आम लोगों के साथ जिस तरीके से फ्रॉड हो जाते हैं, उनको प्लॉट्स नहीं मिलते या ऑन टाइम चीजें नहीं मिलती, तो उन लोगों ने इस मैदान में आने की सोची और नोवा सिटी के साथ ऑन बोर्ड हो चुके हैं। अगर आप नोवा सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके माइंड में किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है या आप कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, प्लॉट्स की बुकिंग करवाना चाहते हैं, तो परफेक्टम के नंबर आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये इनके प्लैटिनियम सेल्स पार्टनर हैं, और इसके साथ साथ नोवा सिटी फेज 1 की तमाम तर मालूमात आपको एक फोन कॉल पर मिल सकती है। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।